फ्रेंड्स, मैं अनामिका, मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं लौकी की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। कार्तिक महीने में लौकी की सब्जी की बड़ा ही महत्व है, तो हम वीडियो बनाते बनाते सारे महत्व बताते जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस पे एक भारी पेंदी की कढ़ाई ले रखा है। इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। देसी घी में लौकी की सब्जी बना हो तो बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। घी को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 से 1.25 चम्मच साबुत जीरा। साथ में हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। फोरन को हम चलाते हुए अच्छे से चटकने देंगे। ध्यान रहे, इसे हमें जलने नहीं देना है, तो हम 1 चम्मच की मदद से चला के इसे चटका लेंगे। यहाँ पे हमने लौकी को छील के बारीक बारीक काट रखा है। आप लौकी को जितना बारीक काटेंगे उतनी ही टेस्टी सब्जी तैयार होगी। आप सुन सकते हैं अपने फोरन से हल्की हल्की चटकने की आवाज आने लगी है, तो हम चम्मच की मदद से मिक्स कर दिए कि एक बराबर सारे जीरे चटक जाएं। अब हम इसमें कटी हुई लौकी की सब्जी डालेंगे। आप लौकी को जितना बारीक काटेंगे उतनी ही टेस्टी तैयार होगी। अब हम 1 चम्मच की मदद से इसे चला लेंगे। अब जब भी लौकी की सब्जी बनानी हो उससे जस्ट 2 से 4 मिनट पहले काटिए, नहीं तो लौकी काली पड़ने लगती है। सब्जी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे कवर करके 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। हाँ, ध्यान रहे बीच में हमें 1 से 2 बार चला लेना है। कार्तिक का महीना चल रहा है, जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग कद्दू की सब्जी का बहुत ही महत्व जानते हैं। कार्तिक महीने में कद्दू की सब्जी घी में भुना हुआ खाया जाता है। जो लोग छठ व्रत करते हैं वो नहा खाए के दिन इस सब्जी को कहीं से ढूंढ के लाएंगे, लेकिन बनाएंगे और खाएंगे, क्योंकि इस लौकी का बहुत ही महत्व है छठ पूजा में। आप देख सकते हैं हमने 5 से 7 मिनट तक लौकी को गलाया है, आधी लौकी गल चुकी है। हम यहाँ पे हल्दी, नमक डाल के और फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। तो आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपको ऐसे खाना है तो ये नॉर्मल नमक डालिए। अगर कोई व्रत के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे सेंधा नमक यूज कीजिए। नमक हल्दी को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। लौकी की सब्जी हम एकादशी व्रत करते हैं उसमें भी पारण के दिन बनाते हैं। अगर हम इतवार व्रत करते हैं तो उसमें भी नहा खाए के दिन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस लौकी की सब्जी के महत्व के बारे में हमने आपको बता दिया। ध्यान रहे, लौकी की सब्जी में हमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें खुद का पानी होता है और उतना ही पानी में अपनी लौकी की सब्जी अच्छे से गल जाती है। तो हमने कवर करके इसे एक बार और पका लिया। आप देख सकते हैं अपनी सब्जी की क्वांटिटी कितनी हो गई है, यानी कि अपनी लौकी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इस स्पैचुला से प्रेस करते हुए इसे चला लेंगे। ये सब्जी अपनी बनकर तैयार हो गई है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया लौकी की सब्जी बनाना कितना आसान है। ये बहुत सारे व्रत में भी खाया जाता है और आप ऐसे भी पूरी पराठे के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी ये लौकी की सब्जी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।